फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा जदली इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड थॉट्स। आज हम आपको चीज़ स्लाइस का पराठा बनाना सिखाएंगे। उसमें देखिए, आप डो तैयार कर लीजिए और डो में आप नमक, मिर्च, मसाले जो भी आप चाहें तो आप उनको डाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि डो में अंदर अभी मोइन के लिए कुछ नहीं डालना है, क्योंकि चीज़ अपने आप में खुद ही काफ़ी फैटी होता है और वो वैसे ही अपने आप में सॉफ्टनेस पराठे के अंदर लेके आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने डो को, जिसमें हमने अजवाइन, नमक, मिर्च, चना मसाला, चाट मसाला डाला हुआ है। इस तरह से हम अपनी लोई को थोड़ा सूखे आटे में मिक्स करके और इसको ऐसे मिलेंगे। ध्यान रखना है लोई थोड़ा छोटी होनी चाहिए और डो को थोड़ा लंबाई में हम करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पीस होता है हमारा, जो चीज स्लाइस होता है उसको इस तरह से हम बेलते हुए चलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा जदली इंस्पिरेशनल वीडियोस एंड थॉट्स। आज हम आपको चीज स्लाइस से पराठा बनाना सिखाएंगे। देखिए, ये बहुत ही न्यूट्रिशंस होता है और खाने में लाजवाब। डो हमने तैयार कर लिया है और डो को हम बेलेंगे। बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका डो हो वो, उसके अंदर पहले से ही आप नमक, मिर्च, अजवाइन और जो भी फ्लेवर आप पसंद करना चाहें, और चाट मसाला, गरम मसाला, वो सब आप इसमें डाल के रखें। अब आप देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा लंबाई में करेंगे और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा साथ साथ लगाते रहेंगे और हम इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में, जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में या शादियों में, जब डोसा बनाता है, डोसा बनाने वाला, तो उसको लंबा सा बनाता है। अब हमें इसकी शेप को सेट करना है, किसकी, जो हमारा चीज़ स्लाइस है उसकी शेप को हमें बिल्कुल इसकी शेप में लेके आना है और थोड़ा सा पतला, इसको हमें पतला बनाना है, काफ़ी पतला। जैसे हम रुमाली रोटी बनाते हैं, आप देख रहे होंगे कि इसका कितना पतला बेस बन रहा है और मैं लंबा ही बनाते चली आ रही हूँ, क्योंकि हमें स्लाइस को इसके अंदर सेट करना है। और स्लाइस को इसके अंदर सेट करने के बाद आप बिल्कुल तरीके से ही इसको फोल्ड करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। और इसके बाद हम डबल ट्रिपल फोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ एक फोल्ड करेंगे। आप ये देखिए, ये पूरा बन चुका है और ये कितना पतला है, आपको इसका अंदाज़ा इससे हो रहा होगा। ये देखिए, इसमें आपको अजवाइन नज़र आ रही है। अब हम इसके अंदर आपके साथ में मैं ये चीज़ स्लाइस का पैक रखूँगी और इसको इसी के ऊपर ऐसे फोल्ड करना है। ये आप देख रहे हैं, अब हमारा थोड़ा सा जो ये बचा हुआ है पोर्शन, इसको भी अब आप फिंगर से ऐसे कर देंगे, दबा देंगे, प्रेस कर देंगे। अब आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि हमने इसको इस तरह से कर दिया है, इसके बाद हमें इसे बेलना नहीं है। हमारी जैसी शेप आई है एज इट इज़, उसी शेप में हम इसको बनाएंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किनारे बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए और थोड़ा सा आप दबा देंगे और ये जो स्पेस है इसी में आपका चीज़ स्लाइस जो है फैल जाएगा और आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पराठों में घी बाद में नहीं लगाती हूँ, तवे पर पहले ही डाल देती हूँ, जिससे हमारा पराठा बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर बनता है और टेस्टी भी। अब आप तवे पर आप 2 चम्मच तेल, घी, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप तवे पर घी तेल डाल दीजिए। देखा आपने, इस डो में हमने अंदर से कहीं भी ऑयल नहीं लगाया है और वो चीज़ की वजह से, जो चीज़ स्प्रेड है, सॉरी चीज़ स्लाइस है, उसकी वजह से अपने आप बहुत टेस्टी बनेगा। ये आप देख चुके हैं और बहुत ध्यान देना है, मैंने जिस तरीके से धीरे से इसमें रखा है, क्योंकि हम इसमें पहले ही तेल डाल चुके थे जिससे कि तेल ऊपर उछलकर ना आए, तो आप उसको बहुत आराम से धीरे से जिस तरीके से मैंने रखा है तवे में इसी तरह से डालेंगे।
और थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। एकदम फ्लेम हाई नहीं रखनी है, थोड़ा स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे और बीच में थोड़ा सा ऐसे चेक भी करेंगे कि आपका पराठा किस कलर का आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ऐसा कलर आ रहा है। देखिए हमारा पराठा आटे के डो का है, इसमें कोई मैदा का इसमें हमने नहीं डाला हुआ है। मैदा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, तो आप ये देखेंगे प्योर पूरे आटे का सिंपल डो जिसमें हम बनाते हैं घर में, वही हमने बनाया है। अब आप देखिए कितना सुंदर कलर आया है, अच्छा लग रहा है। इसके बाद थोड़ा सा फुल कर दीजिए गैस को, और पहले फुल फ्लेम पे रखा था, फिर एकदम सिम कर दीजिए, नहीं तो आपका पराठा जल जाएगा। अब आप ये देखिए ये फूल भी चुका है। हमारा डो पतला था लेकिन कितना सुंदर ये इस तरीके से बन रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए कितना प्यारा कलर इसका आ चुका है। अब थोड़ा सा इसके किनारे ऐसे रह रहे हैं, गैस को आप सिम ही करिएगा और स्पैचुला से आप इसको अच्छे से दबाइएगा। किनारों को सेकने के लिए स्पैचुला ज़रूरी है, थोड़ा सा दोनों साइड से जो हमारे किनारे जो हमने मोड़े थे उसको इस तरह से आप बनाइएगा, तो आपके लिए फर्स्ट क्लास एक टेस्टी नाश्ता बन जाएगा पराठे का। वैसे नॉर्मली अक्सर सब्जी रोटी खाते खाते, सब्जी पराठा खाते खाते मन उब जाता है। आप इसको इस तरीके से, आप ये देखिए हमारा पराठा दो बारी में सिक चुका है, बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हो चुका है, पूरा बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसके किनारों को अच्छी तरह से दबा दीजिए, सेक लीजिए। आप ये देखेंगे कि आपका पराठा फर्स्ट क्लास सिक चुका है और तैयार हो चुका है। अब आप इसको प्लेट में सर्व कर सकते हैं, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसकी कटिंग करके और इसका कितना सुंदर कितना अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए हम इस पराठे को नाइफ से काटेंगे जिससे आपको इसके अंदर का हकीकत पता चलेगी कि आपका चीज़ किस तरह से फैला है। आप इसको ऐसे ऐसे काट दीजिए, इसके बाद आप इसमें जब नज़र डालेंगे ये देखिए आपका स्लाइस बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, पूरी तरह से अंदर तक जा चुका है। अब जब आप इसको खाएंगे इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद होगा। देखिए दोनों साइड में ये आप देख रहे होंगे इसकी चीज़ किस तरह से पिघली हुई दिखाई दे रही है, और लाजवाब तरीके से ये मेल्ट हो चुका है अंदर, और जब आप इसको खाएंगे बाइट्स में तो ये आपको बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट लगेगा। तो आप देखिए इसको सॉस के साथ, रेड चिली के साथ और ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आप इसको ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बेहद टेस्टी होता है, बच्चों को भी पसंद आएगा और आपको भी, आप गेस्ट को भी खिलाना चाहें तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हैप्पी डे।